चीज के समर्थन की सीरीज में विश्व भूगोल में एक नई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चट्टान। चट्टान एक ऐसी टॉपिक है जो आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपके सिलेबस में है। इसका अध्ययन हम आपके पैटर्न आपके सिलेबस के आधार पर लगातार करते जा रहे हैं। एक एक करके हम चट्टानों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे कि चट्टान क्या है। तो चट्टान किसे कहते हैं, इस सीरीज के अंत तक बने रहिएगा। एज ए गेस्ट के रूप में निःशुल्क में आज इलर्निंग विद दुर्गेश की फेसबुक और यूट्यूब पर आपको निःशुल्क सामान्य ज्ञान की सीरीज में जो आज विश्व भूगोल को पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न होता है कि चट्टान किसे कहते हैं। इसे हम रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इसे हम सेल भी कहते हैं। तो जैसे चट्टान कहते हैं हमारे आपके दिमाग में एक पत्थर का टीला बन जाता है दिमाग के अंदर। लेकिन वास्तव में चट्टान किसे कहते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाली समस्त भूपर्पटी पर जो क्रस्ट मेंटल के ऊपर जो भी जैसे ये हमारी पृथ्वी के क्रस्ट पर पाए जाने वाली समस्त पदार्थ चाहे चीका मिट्टी की तरह मुलायम हो चाहे बालू पत्थर की तरह कठोर हो उन सभी को हम चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, उन सभी को हम चट्टान कहते हैं। माने आप लोगों ने हम लोगों ने ये समझ लिया कि चट्टान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह एक पत्थर के टीले से न होकर बल्कि भूपर्पटी पाए जाने वाले समस्त पदार्थों से होता है। चट्टान मुलायम और कठोर दोनों होते हैं। इनका निर्माण खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। लगभग अभी तक ज्ञात 110 तत्वों से हुआ है लेकिन 98% में 8 है जिसमें चट्टान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सिलिकन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम ये 8 हैं। खनिजों की संख्या लगभग 2000 है लेकिन 24 खनिज से ही चट्टानों का निर्माण होता है। खनिज भी 6 प्रकार के रूप में प्रधान होते हैं। जैसे आप देखेंगे अभ्रक, एम्फीबोल्स, पैरोक्सीन, क्वार्जाइट, फेल्सपार। लेकिन चट्टानों का जब वर्गीकरण करते हैं तो हम तीन रूपों में चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। कितने रूपों में, तीन रूपों में हम चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे जैसे क्या है, पहला एक एक करके हम लोग देखेंगे कि चट्टानों का वर्गीकरण हम कैसे तीन रूप में करते हैं। पहला आग्नेय शैल जिसे हम इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं, दूसरा औसादी शैल जिसे हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं, तीसरा रूपांतरित या कैंथ्रिक सेल इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। ये तीनों सेल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तीनों सेल परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं, हम आगे इसके भी कई तथ्य को देखेंगे, कई तथ्य को पढ़ेंगे और कई तथ्य को भी समझना है। जैसे आग्नेय सेल क्या होता है, इसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आग्नेय सेल को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, वैसे मैं आपको नोट्स भी कराता चलूंगा। इसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं, इसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। अब आग्नेय शैल ये आग होता है। आग्नेय शैल की रचना धरातल के नीचे जो उत्तप्त मैग्मा होता है उसके ठंडा होने से अर्थात लावा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल के बारे में बहुत सारी बातें अब हम लोग एक ही करके बताएंगे। पहली बात, इसे हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसे हम प्राथमिक शैल या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि सर हम इसे प्राथमिक शैल क्यों कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम इसे प्राथमिक शैल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी बनी थी या जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था एकदम उत्तप्त गर्म थी, खूब बारिश होती है फिर ठंडा होती है, अर्थात लावा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ था उसे हम प्राथमिक सेल के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत, प्राथमिक सेल माने पूरे पृथ्वी में पहली चट्टान जो बनी थी, पूरी पृथ्वी की पहली चट्टान जो थी वह आपकी थी आग्नेय सेल, इसलिए इसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। सभी प्रकार के चट्टान का निर्माण आग्नेय सेल से हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह औसादी सेल हो चाहे वह रूपांतरित सेल हो। मतलब ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है वह लावा धरातल पर जमकर ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनता है उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। अब हम आग्नेय शैल की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को सबसे पहला काम करिए, शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा देंगे, सभी साथी मित्रों तक शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए इसके बारे में और तथ्य हम लोग जानते हैं और तथ्य को पढ़ते हैं।
चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि जो आग्नेय शैल होता है इसकी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मतलब इसकी विशेषता क्या क्या है। विशेषता, पहली विशेषता है, पहली विशेषता इसकी क्या है, ध्यान से लिखते चलिएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। पहली विशेषता इसकी है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब प्रश्न उठता है कि जीवाश्म नहीं पाए जाते क्यों, जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पूरी पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी नहीं था, कोई भी जीवधारी नहीं था, इसलिए यह प्राथमिक शैल को हम जब कोई जब ये प्राथमिक शैल को हम क्या कहते हैं, जब जीवाश्म नहीं था, जब जीवाश्म नहीं था तो जो ये शैल है आपका, जी हाँ, जो ये चट्टान है आपका, इसको हम कहते हैं प्राथमिक शैल बिना जीवाश्म वाला। दूसरा, ये लावा के ठंडा होने से बनता है। लावा इतना गर्म होता है कि 1500 सेंटीग्रेड पर शुद्ध लोहा पिघल जाता है, चट्टानों को पिघला देता है। उसके संपर्क में कोई भी जीवधारी, जीव, गधा, गधही, जो भी आएगा वो भी क्या होगा, लावा बन जाएगा, और जब लावा बन जाएगा गल जाएगा। इसलिए प्राथमिक शैल या इग्नियस रॉक्स में, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। जी हाँ, इसमें क्या होते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते। दूसरा अगर हम देखें कारण इसका, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, दूसरा इसके बारे में अगर हम लोग और आप लोग जानेंगे तो ये जानेंगे, इसमें परतें नहीं पाई जाती, संस्तर नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, लावा निकल गया, फिर उसके बाद दोबारा जब लावा निकलेगा तो पहले वाले को पिघला कर जमेगा, इसलिए इनमें परतों का अभाव मिलता है, इसमें परतें नहीं मिलती। ये आग्नेय चट्टान जो होती है इसमें रवे पाए जाते हैं। ये रवे दो तरह के होते हैं, जो क्रस्ट पर आ जाते, जैसे रवे के बारे में बता देते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अगर मैग्मा ठंडा हो रहा है, लावा ठंडा हो रहा है, तो इसके रवे क्या होते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। लेकिन जब यही तोड़कर बाहर निकल जाता है तो बाहर आने के बाद लावा जल्दी से ठंडा होता है, उसमें हवा चल लगती है, धूप लगता है, बारिश होती है, तब इस सब होने के कारण, जब उसमें इतना चीज होने के नाते उसमें क्या होता है, लावा तेजी से ठंडा होता है। जब लावा तेजी से ठंडा होता है तब उससे, जब लावा तेजी से ठंडा होगा तब क्या होगा, तब उसका सबसे बड़ा जो होगा कि उसमें रवे पूर्ण विकसित नहीं हो पाते। ठीक है, तो यह आपके पाठ्यक्रम में था। वैसे अगर देखा जाए तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, अंतर्वेदी और बाह्यवेदी। अंतर्वेदी में क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। जी हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, जब यहां से लावा का उद्गार होता है, ध्यान से देखिएगा, जिस समय यहां पे लावा का उद्गार होता है, मेरी बात को ध्यान से हम लोग समझिएगा, जिस समय, जैसे जब ये लावा, नीचे मैग्मा होता है, ये मैग्मा जब ऊपर आता है, इसके जमने से जो चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। एक लाइन में, इस शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते, इस शैल में परत नहीं पाई जाती, इस शैल में रवे विकसित होते हैं, ये कठोर होता है, ये इसकी विशेषता हो गई। इसे प्राथमिक शैल कहते हैं, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जो पहली चट्टान बनी थी, ठीक है, जो चट्टान बनी थी वह आग्नेय शैल थी, इसलिए इसे प्राथमिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। अब इसको दो भागों में बांटते हैं, कैसे। पहला देखिए, जब लावा अंदर, जैसे देख रहे हैं, लावा यहीं पर अगर ठंडा होकर जम जाएगा तब इसे हम कौन सा कहते हैं, अंतः निर्मित कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक आग्नेय शैल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ध्यान से लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, आंतरिक आग्नेय शैल कहेंगे। आंतरिक आग्नेय शैल का मतलब क्या, इसका निर्माण धरातल के नीचे गहराई पर मैग्मा के ठोस रूप धारण करने से होता है। ठीक है, डोलेराइट, माइका, पिगमाइट, इस प्रकार के शैलों के सबसे बड़े उदाहरण हैं। इसके सूक्ष्म कणों वाले बेसाल्ट की अपेक्षा मोटे कणों वाली होती है। यहां पर हम देखेंगे तो इसमें भी दो होते हैं, एक पाताली होती है, एक मध्यवर्गीय होती है। जो पाताल में होता है, देखिए इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, लिखना चाहिए लिख लीजिएगा, एक होता है पाताली, ठीक है,
दूसरा जो होता है मध्यवर्ती, इसमें भी दो होते हैं, एक पैतालिक मध्यवर्ती। अगर पैताली और मध्यवर्ती की बात करें तो यहां पर हम और आप समझेंगे कि जो पाताली होता है इसके निर्माण पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर होता है, जहां पर तापमान अधिक होता है तो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा ना। जब यहां पर तापमान ज्यादा होगा तो मैग्मा क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, और धीरे धीरे ठंडा होगा रवि पूर्ण विकसित होते हैं। तब रवि क्या होते हैं, पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। ग्रेनाइट चट्टान इसी प्रकार का चट्टान, इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसका नाम प्लूटो के यूनानी देवता के नाम पर रखा गया है, जो पाताली देवता माने जाते हैं। जबकि अगर हम यहां पर मध्यवर्ती की बात करें तो न क्रस्ट पर आता है बल्कि बीच में, माने यहां पर जो मध्य में लावा ठंडा होकर जमता है उसे हम मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान कहते हैं। इस चट्टान के बारे में अगर आप लोग पढ़ें इसमें कई नाम आपको मिलेंगे, जैसे लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैकोलिथ, सील, डाइक आदि के रूप में होते हैं। इसमें मैग्मा दरार छिद्र नली में ही जमकर ठोस रूप बना लेती है और बाद में अपरदन की जो क्रिया होती है उससे चट्टानों पर विभिन्न रूप नजर आने लगते हैं। इसका मुख्य रूप लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैथोलिथ, सील और डाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे जो आप लोग की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट जो है मैं उसको क्लियर कर देना चाहूंगा। चलिए, जैसे रेगुर मिट्टी, रेगुर क्या होता है, सड़क निर्माण में किया जाता है, सेल के जब क्षरण होता है तो उससे रेगुर मिट्टी बनती है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे बाह्य, ये तो हो गया आंतरिक आग्नेय, आंतरिक आग्नेय के बाद होता है बाह्य आग्नेय चट्टान। देखिए यहां पर होगा बाह्य, बाह्य आग्नेय शैल। बाह्य आग्नेय शैल के बारे में जानते हैं, देखिए बाह्य आग्नेय शैल क्या होता है, जब मैग्मा क्रस्ट को तोड़कर ऊपर आ जाता है, भूपरपटिक ऊपर आ जाता है तो तेजी से ठंडा होने लगता है। जब तेजी से ठंडा होने लगता है तो फिर ठोस रूप धारण कर लेता है, इस प्रकार बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी चट्टान कहते हैं। इन चट्टान में रवे जो होते हैं छोटे होते हैं, बेसाल्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण, इसका उदाहरण देखेंगे तो बेसाल्ट है। ठीक है, बेसाल्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके क्षरण से काली मिट्टी बनती है और काली मिट्टी इसे क्षरण से क्या बनती है, काली मिट्टी बनती है। कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है जिसे हम रेगुर कहते हैं, इसे हम कौन सी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसमें पैराइट होती है, पिच स्टोन आते हैं। ठीक है, पैराइट और पिच स्टोन आते हैं। ठीक, चलिए यहां तक किसी को मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अब आइए देखिए, इसके अगर हम उदाहरण की बात करें इसमें कौन कौन से हैं जो पाए जाते हैं, देख लाइन हम और आगे बढ़ते हैं जहां पे हम आपको शॉर्टकट में समझा देंगे। देखिए चट्टानों के प्रकार, तो आग्नेय शैल जो होता है, अगर आग्नेय शैल की बात करेंगे तो ध्यान से एक बार मैं आपको यहां पर अच्छे से और डिफाइन करना चाहूंगा। आग से बनी चट्टान यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, मैग्मा, धूल के कणों के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती हैं वे आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। इन्हें प्राथमिक या मात्र शैल भी कहते हैं, इन्हें प्राथमिक या मात्र शैल के नाम से भी जानते हैं। इसमें परतें और जीवाश्म नहीं पाए जाते, लोहा, निकल, सोना, तांबा, जस्ता जैसे प्रमुख खनिज इस आग्नेय शैल में पाए जाते हैं, इस इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक, फिर हम इसके बारे में देखेंगे आग्नेय शैल के उदाहरण जो महत्वपूर्ण है, ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है, पेगमाइट होता है, बिटुमिनस होता है आदि इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले चट्टान की तरफ। अगला चट्टान है, इसे हम कहते हैं औषधि शैल। आइए औषधि शैल के बारे में हम थोड़ी बातें आपको और बताएं। औषधि
अवसाद या मलवा के जमने से इस चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, अब अवसाद या मलवा क्या होता है? जब आग्नेय हवा के द्वारा, जल के द्वारा काटने के बाद किसी स्थान विशेष पर जमने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसे ही परतदार शैल भी कहते हैं, इसे ही परतदार शैल या चट्टान भी कहते हैं। अब अवसादी शैल में क्या होता है? इसमें प्रस्तरी या परतदार चट्टान कहते हैं, इसे प्रस्तरित भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अवसादी शैल में जीवाश्म मिलते हैं और आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। पूरे पृथ्वी के क्रस्ट पर 75% भाग अवसादी शैल है, परंतु क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान केवल 5% ही है। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पे और अन्य बातों को देखते हैं कि जो आग परतदार या अवसादी शैल होता है, ये अवसाद से निर्मित शैल को हम अवसादी शैल कहते हैं। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार शैल कहते हैं। इसका निर्माण जल स्थल दोनों भागों में होता है। इसके निर्माण में चट्टान चूर्ण के साथ ही जीवाशेषों तथा वनस्पतियों का भी योगदान होता है। जीवाशेषों की उपस्थिति से चट्टान विशेष के समय का भी आसानी से पता चल पाता है। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैल ही पाया जाता है, लेकिन भूपृष्ठ में इसका योगदान केवल 5% है। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे कि यह रवे नहीं होते इसमें, लेकिन परतें पाई जाती हैं। इसमें संधियां जोड़ बहुत मिलती है, यह कोमल होती हैं और आग्नेय कठोर होता है। इन पर अपरदन क्रिया तेजी से होती है, आग्नेय धीरे धीरे होती है। जैसे कोयला हुआ, चूने के पत्थर, ये अवसादी शैल के सबसे बड़े उदाहरण हैं। बालू मिट्टी, बजरी, रोड़ी, ये सभी अवसादी हैं। ये पवन द्वारा दूर ले जाके महीन बालू के कण से निर्मित अवसादी शैल सबसे बढ़िया उदाहरण लोयस है, जो चीन में बहुतायत मिलता है। शेधा नमक, जिप्सम, सोरा, ये सब अवसादी शैल के उदाहरण है। ये सब किसके हैं? अवसादी शैल के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। आइए इनके बारे में और चीजें हम लोग जानते हैं और चीजें पढ़ते हैं। देखिए, अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है। आग्नेय चट्टान हवा पानी की वजह से दूर जाकर जमने लगती है, इसी से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। आग्नेय चट्टान की परत दर परत जमने से अवसादी चट्टाने बनती हैं, अतः इन्हें परतदार शैल भी कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जहां जीवाश्म पाए जाएंगे, पेट्रोलियम मिलेगा, कोयला मिलेगा, खनिज तेल और शैल गैस आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे अवसादी चट्टान के उदाहरण। हम देखेंगे, आप देखेंगे अवसादी शैल के उदाहरण। तो अवसादी शैल के उदाहरण क्या है? बलवा पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान, शंपीड, लिग्नाइट आदि इसके प्रमुख उदाहरण। इसे सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। जी हाँ, इसे सेकेंडरी रॉक्स भी या द्वितीयक चट्टान के नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की चट्टान की तरफ। जो तीसरा प्रकार का चट्टान है उसे हम कायंत्रित चट्टान कहते हैं, उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। आइए मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हम लोग और थोड़ी बातें जानते हैं और थोड़ी बातें भी पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, जब चट्टानों में अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो उसका रंग रूप बदल जाता है, लेकिन अगर वो वियोजित नहीं होते तब उसे हम कायंत्रित चट्टान, मेटामॉर्फिक या रूपांतरित शैल के नाम से या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। यह ताप एवं दबाव के कारण आग्नि तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, इसलिए ये रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। अब आइए इन रूपांतरित चट्टानों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे ताप, दाब, रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नि एवं अवसादी चट्टानों का रूप बदल जाता है, जिसे रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है।
ठीक है, जैसे आग्नेय से रूपांतरित चट्टान, आग्नेय से रूपांतरित चट्टान, तो जो ग्रेनाइट होती है ये आग्नेय शैल होती है और इस आग्नेय से नीस या कैंद्रित चट्टान बनती है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेनाइट का रूपांतरण जब होता है तो नीस में बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसाल्ट जो है ये आग्नेय शैल है, ये सिस्ट में बदल जाता है। किसमें? सिस्ट में बदल जाता है, एकदम अच्छे से जानते रहिएगा। और उसके अलावा बेसाल्ट जो है सिस्ट के अलावा भी यह एम्फीबोलाइट में बदलता है। किसमें? एम्फीबोलाइट में, एम्फीबोलाइट में रूपांतरित होता है। मतलब बेसाल्ट सिस्ट में भी जाता है, एम्फीबोलाइट में भी जाता है। ठीक है, यह बात आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, यह बात भी अच्छे से जानना चाहिए आप लोग को, ग्रेनाइट बेसाल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना जी? हाँ, वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। सामान्य अध्ययन विश्व भौगोलिक सीरीज में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है आपका। अब यहाँ पे औषधि से कांत्रित, अगर औषधि से कांत्रित की बात करें तो पहला आपका आता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर आपका जो है तो वो आग्नेय शैल है। बलुआ पत्थर जो है वो कौन सा है? वो आग्नेय शैल है। ये क्वार्टजाइट में बदलता है। बलुआ पत्थर से किसे बदलता है? क्वार्टजाइट में बदलता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, इसे सैंडस्टोन कहते हैं। फिर चूना पत्थर से संगमरमर में, चूना पत्थर से संगमरमर में जाता है। फिर चाक भी, अगर हम चाक की बात करें या डोलोमाइट की बात करें, यह भी किस में जाता है? संगमरमर में जाता है। कभी कभी सेल जो होता है, सेल, सेल, ठीक है, जो सेल होता है ये किस में जाता है? ये स्लेट में जाता है, ये स्लेट में जाता है, ये किस में जाता है? ये स्लेट में जाता है। ठीक है, इसलिए किस में जाता है? स्लेट में जाता है। चाहे तो इसकी भी स्क्रीन शॉट क्लिक कर लें, आप लोग चाहे तो इसकी भी स्क्रीन शॉट क्लिक कर सकते हैं, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे किसी को मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो जरूर पूछेगा, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। अब जो तीसरा है, देखिए, कांत्रित चट्टान से उदाहरण या रूपांतरित चट्टान के उदाहरण क्या क्या है। अगर हम कांत्रित चट्टान की बात करें तो जैसे ग्रेनाइट से नीश बनता है, बेसाल्ट से सिस्ट बनता है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, चूना पत्थर संगमरमर बनता है, इसके प्रमुख उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और उदाहरण बताना चाहूँगा, शायद जो आप लोग को ना पता हो या पता भी होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को एक तीसरा उदाहरण पढ़ना है, रूपांतरित से पुनः रूपांतरण। ध्यान दीजिएगा, रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरण। जैसे यहां पर स्लेट था, जैसे यहां पे स्लेट था, स्लेट रूपांतरित है, ये किस में जाएगा? फाइलाइट में। किसमें जाएगा? ये फाइलाइट में जाएगा। अगर गैब्रो की बात करें, अगर हम गैब्रो की बात करें तो गैब्रो किसमें जाएगा? सर्पेंटाइन में जाएगा। सर्पेंटाइन में जाएगा। कांग्लोमरेट की बात करें, अगर हम कांग्लोमरेट की बात करेंगे तो कार्टजाइट में जाएगा। किस में जाएगा? कार्टजाइट में जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो चट्टाने हैं
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो चट्टानें हैं ये एक के बाद एक किस प्रकार से रूपांतरित होती रहती हैं, मतलब स्लेट, स्लेट किस में गया, फाइलाइट में गया, गैब्रो सर्पेंटाइन में गया, स्लेट फाइलाइट में गया। फिर अगर फाइलाइट की बात करें, फाइलाइट किस में गया, फाइलाइट सिस्ट में जाएगा। देखिए लिख लीजिएगा, फाइलाइट किस में जाएगा, सिस्ट में जाएगा, फाइलाइट किस में जाएगा, सिस्ट में जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे ये चट्टानें जो हैं एक दूसरे से क्रम में बंधी होती हैं। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने तीनों चट्टानों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई सवाल रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सभी रेस के घोड़े हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा। और हाँ, ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप इन लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर, दोनों पर आप निःशुल्क जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो जरूर पूछिएगा। ठीक, कोई भी, किसी के मन में कोई जवाब नहीं है ना, सवाल नहीं है ना। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने चट्टान के विषय में पूरी जानकारी पढ़ ली। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करिएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए इ लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर, इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जो लोग भी जुड़े हैं, ये जौनपुर जनपद से क्लास आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क लाइव चलती है। ठीक है जी, हाँ, ये निःशुल्क आपके लिए इ लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके इ लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, चलिए हम लोग एक साथ पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगले क्लास के लिए आप सभी लोग जुड़े रहेगा, ताकि हमें भी जुड़कर आपके साथ पढ़कर काफ़ी खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, एक पूछा गया ग्रेफाइट। देखिए ग्रेनाइट, देखिए आग्नेय का उदाहरण है ग्रेनाइट, लेकिन प्रश्न आया है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है, ये कार्बन का अपरूप है, और जो पेंसिल की निब होती है वह ग्रेफाइट होती है। ठीक है, तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करते चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। ठीक, फिर मिलते हैं अगली क्लास। आज क्लास थोड़ी सी छोटी है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, इससे बड़ी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। आज पूरा चट्टान आपका क्लियर हो गया, एक से दो बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, किसी के मन में कोई दिक्कत हो जरूर पूछिएगा। जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कौन कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए, औषधि सेल में 80% चट्टाने हैं। ठीक, आग्नेय सेल पृथ्वी 95% औषधि नहीं है, 5% औषधि है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए हम बात करते हैं इसके बाद। जय हिंद, जय भारत।